नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रविचंद्रन अश्विन की लगभग 4 साल बाद सीमित ओवर के फॉर्मेट में भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है। अश्विन को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में जगह मिल चुकी है। वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलने पर अश्विन भी काफी खुश नजर आए हैं, लेकिन अश्विन की यह खुशी लंबी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अश्विन को टीम में तो जगह मिल गई है, लेकिन मैदान पर उतरने का मौका शायद ही मिले, क्योंकि अश्विन की राह में रोड़े T20 वर्ल्ड कप में शामिल कुछ खिलाड़ी बन सकते हैं जो इस समय बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह इस सीजन में 13 मैचों में 19 विकेट चटका चुके हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यही नहीं, बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया था। बुमराह के बाद अगला नाम है मोहम्मद शमी। शमी की प्लेइंग 11 में अभी से जगह पक्की मानी जा रही है। उन्होंने 13 मैच में अभी तक IPL में 18 विकेट लिए हैं और यही नहीं, शमी हर 16वीं गेंद पर विकेट ले रहे हैं। शमी के अलावा दिल्ली के गेंदबाज अक्षर पटेल ने भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से दिल्ली को मैच जिताए हैं। पटेल ने 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं और इस दौरान उन्होंने 6.05 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं। भारत वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे गेंदबाजों को बिल्कुल भी बाहर नहीं बिठाना चाहेगा। अक्षर पटेल के बाद नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का। मिस्ट्री स्पिनर के रूप में मशहूर वरुण चक्रवर्ती मौजूदा IPL सीजन में 15 विकेट ले चुके हैं। यही नहीं, इस गेंदबाज ने UAE के पिचों पर पिछले 28 IPL मैचों में 32 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में टीम वर्ल्ड कप के दौरान उन पर दांव जरूर खेल सकती है। इन गेंदबाजों के अलावा भारत के पास राहुल चहर और रविंद्र जडेजा जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल करना लगभग तय ही है, क्योंकि वह भारत को तीनों रूप में फायदा पहुंचा सकते हैं, फिर चाहे बात गेंदबाजी को हो या बल्लेबाजी की या फिर फील्डिंग की। वहीं अश्विन की बात की जाए तो IPL में अश्विन का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है। अश्विन IPL के दूसरे फेज में 5 मैचों में सिर्फ 4 विकेट ही अभी तक लिए हैं। ऐसे में अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि बाकी खिलाड़ी इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के लिए 4 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों को 15 सदस्यीय टीम में चुना है, जिसमें राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाज के रूप में, जबकि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार को तेज गेंदबाज के रूप में टीम में जगह मिली है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी टीम में हैं और हार्दिक पांड्या को भी ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अश्विन को वर्ल्ड कप में मैच खेलने को मिलेगा या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।